అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ హైదరాబాదీ తడకా. ఐఎమ్ యువర్ కుకింగ్ ఎక్స్పర్ట్ సఫీ. ఆజ్ హమ్ చోలే బనాయేంగే. బహుత్ మజే కి బనేంగే యే. బహుత్ టేస్టీ, బహుత్ యూనిక్ సా ఏక్ టేస్ట్ ఆయేగా. ఆప్ లోగోన్కో జరూర్ బనాయేగా. ఔర్ ఇస్కో ఆప్ రోటీ, ఫుల్కా, పూరీ, కుల్చా, నాన్ ఇస్కే సాత్ ఆప్ సర్వ్ కర్ సక్తే. आप ऐसे भी खा सकते, थोड़ा सा प्याज ऊपर से स्प्रिंकल करके, नींबू वगैरह डाल के. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से बन जाएगी. ओके फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए. इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए. मैं काबुली चने ली, वो भी छोटे वाले, ऐसे दाने वाले, बड़े मत लीजिएगा. ये 150 ग्राम्स रहते, 150 ग्राम्स. इसको मैं अच्छे से वॉश करके भिगो के रखते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ. देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से वॉश करके 3 दफ़ा इसको मैं 6 घंटे के लिए भिगने डाल दी. मैं इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल करके भिगने रख दी. मैं ये अच्छे से साइज़ में डबल हो चुके हैं. इसके प्रोसेस में बताऊंगी. बहुत आसान है, बहुत ही बहुत आसान है ये बनाने का, छोले बनाने का. देखिए, इसको अच्छे सा बेकिंग सोडा डालें, इसलिए अच्छे सा वॉश करना है. नहीं तो अगर आप बेकिंग सोडा डाल के इसी उसी के साथ अगर कुकर में डाल दिए, वो बॉईल करने रख दिए, तो ये चने रंग बदल डालेगी. ओके जी, एक मीडियम साइज़ प्याज ली, चॉप किया हुआ प्याज डाल दी मैं, और 1 स्मॉल साइज टमाटर ली, उसको भी डाल देंगे. देखिए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून ग्रीन चटनी, 1/2 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून ऑयल डाली मैं, ज़्यादा मत डालिएगा. देखिए, 1 कप से 2 कप पानी डाल रहे हैं. पहले डाल दी मैं ये, और 1 कप, और इसमें 2 बे लीव्स डालूँगी, तेज़पत. देखिए, 2 तेज़पत डाल दी, और नमक अभी मैं नहीं डाली, 1 टीस्पून नमक डालूँगी मैं, और इसको ढक्कन ढक बंद करके कुकर का मैं 4-5 विजल्स तक मैं इसको बॉईल करूँगी. देखिए, ज़बरदस्त गल चुके हैं, और मैं इसको 1-5 मिनट पकाऊंगी. हरा मसाला डाल के, कोतमीर, पुदीना, फिर डिश आउट करके बताऊंगी. हरा मसाला डाल दी. थोड़ा सा मैं बोलना भूल गई थी, 1 टेबल स्पून ताज़ा मेथी की पत्ते डाली, और 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रहा. देखिए फ्रेंड्स, तैयार होके टेबल पे आ चुका है ये छोले, मसाले छोले. बहुत शानदार मज़ा आएगा आपको बनाएंगे तो. आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको. बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाएगी, और टेस्ट में तो लाजवाब. ओके फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारा शेयर करिएगा, और बेल आइकन एक्टिवेट करिए. और कोरोना के SOPs फॉलो करिए. इंडिया की हालत बहुत गंभीर है. अल्लाह अपने हिफ्ज़मान में रखे इंडिया वालों को. बहुत बहुत अफसोसनाक मंजर देखने को मिल रहा. अल्लाह रहम करे, हमारे सबके गुनाह को माफ़ फरमाए हबीब के सदके.
इंशाल्लाह फिर और एक यूनिक सा रेसिपी के साथ फिर आप लोगों के साथ सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel and also activate bell icon to get latest videos.